अभी मेरा सिचुएशन ऐसे हो गया है, बोलो जुबा केसरी। हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ घरघोड़ी रथ देखने। मेरा रथ यात्रा है, तो अभी मेरे को मेरे भैया बोल के और बोलते हैं कि घरघोड़िया रथ देखने के लिए। एक्चुअली मैं मेरे को कल यानी कि 25 को सस्कुबा में मेरे को इतना पता था, मेरी दीदी फोन करके बुलाई थी आना बोल के, और घरघोड़ी वाला पता नहीं था, बट अभी पता चल गया। तो चलिए चलते हैं घरघोड़ी झूला रथ देखने। बचपन में झूला रथ यानी कि रथ में झूला आता होगा, बड़ा बड़ा झूला आता होता होगा, उसमें झूलते हैं, इसलिए झूला रथ बोलते हैं। हम लोग ऐसे सोचते थे, बट ऐसे नहीं है। झूला रथ में भगवान श्री कृष्ण को झूला में झुलाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है, इसलिए झूला रथ बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं घरघोड़ी के लिए। भगवान जी यहाँ पे हैं जिनको झुलाया जा रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का रथ नाच रहे हैं उस जगह में, और अभी हम लोग देख रहे हैं रथ सांग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रथ डांस को, तो देख ले, अभी हम लोग जा रहे हैं मोर्री तरफ, मतलब कि जिसको पता है उसको पता है, और अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। जंगल झाड़ी पार करत करत हम जात हैं, बाकी तिल आप मतलब दिखा नहीं सकूं, मत देखियो। ये देख, हम रथ के दर्शन करे वाला आथन, रथ के दुकान उकान घूमथन। नहीं देखा था दे, निकाल निकाल का त्योहार कहाँ केला, देखा था। भीड़ तो मस्त है, अभी मेरा सिचुएशन ऐसे हो गया है, बोलो जुबा केसरी। हम लोग पान इतना नहीं खाते हैं, बट ये खाऊंगा बोला तो मैं अभी खा लिया, नहीं तो नहीं खाता। मैं अकेले रहता हूँ तो खाता नहीं, और इस तरफ चल रहा है रथ डांस। सेवन का बना आता गाइज, हम लोग देखने आए थे घरघोड़ी को रथ झूला रथ यात्रा, और यहाँ 8 नृत्य पार्टी है यानी कि 8 रथ डांस करैया मन है। भाभी संकोलिंग को लिंक केला थे, भीड़ तो अभी संगवारी हो देख सकते हो आप, पूरा खचा खचरी हो गया। अंडा चाटता रहे हम लोग, सिर्फ चाट खाते हैं, नौ प्याज नौ मिर्च।
father.